हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी फूड सीरीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिलहड़ या मक्के के चीले। इसके लिए हम मक्के के दानों को अलग करके साफ करके ले लेंगे। इसके बाद हम इसे सिलबट्टे में पीसेंगे। सिलबट्टे में पीसने से इसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब हम लेंगे अदरक, हरी मिर्च, धनिया, आप पुदीने के पत्ते भी ले सकते हैं। साबुत धनिया और जीरे का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसे जरूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसका एक दरदरा मसाला तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसमें लहसुन की कलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है। आप कटा हुआ प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बेसन, हल्दी, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। इन सबको बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे। पहाड़ों में इसे सरसों के तेल से बनाया जाता है और लोहे के तवे में ही बनाया जाता है। तवा गर्म हो गया, हम तवे में सरसों के तेल को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसे बनाने के लिए पानी का हाथ लेंगे और पानी के हाथ से ही बैटर को उठाकर तवे में हाथों से इसे फैलाएंगे। 2-4 मिनट पकने के बाद हम चीले को पलट लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा कलर चीले में आ गया है। इसे अलट पलट कर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी चीले जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। बारिश के मौसम में इन चीलों को खाने का अलग ही मजा आता है। आप भी अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए।